मोदी जी, बस के एक्सीलेटर पर पैर थोड़े हल्के से रखना। मैं बस के ऊपर किनारे पर बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, कहीं फिसल कर गिर ना जाऊं। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, आप बस को इतना ज्यादा ओवरलोड क्यों भर लेते हो? आपकी बस अंदर तो भरी हुई है ही सवारियों से, आपने सवारियों को ऊपर भी बैठा रखा है। राहुल, कमाई के लिए कुछ भी करना पड़ता है। सबसे पहली बात राहुल, मैं तुम्ही से पूछना चाहता हूँ, तुम छत के ऊपर बस पर क्यों बैठे? अगली जो बस आती उस पर आ जाते? मोदी जी क्या बताऊँ, मुझे शहर बहुत जल्दी जाना था, इसीलिए मैं आपकी बस पर बैठ गया। राहुल, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे अपना लोगों को मोदी जी ने बस के ऊपर कोई जबरदस्ती थोड़ी बैठा ला है, अपना को जल्दी शहर पहुंचना था, इसीलिए अपना बस के ऊपर बैठ गए। बस के नीचे जगह थी नहीं, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल फुल है। वैसे मोदी जी, इतनी ज्यादा ओवरलोड सवारियों पर आपकी बस का चालान नहीं कटता है। शिवराज सिंह जी, एक बात बताऊं, अगर मेरी बस का चालान कट जाएगा तो आपको क्या फायदा होगा? अरे ये क्या हुआ, तुमने इतनी घटिया चालान की बात बोली कि सामने इंस्पेक्टर अमित शाह जी मिल गए, ये देखो अब बहुत परेशान करेंगे। मोदी जी, आपकी बस का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, रोक लो अपनी बस को यहीं पे। मुझे एक बात बताओ मोदी जी, तुम इस बस के अंदर सवारियों को बिल्कुल फुल करके बैठाए हुए हो और तुमने ऊपर भी सवारियों को छत पर बैठा रखा है, इतना खतरा मोल क्यों लेते हो? एक आध सवारी ऊपर से गिर गई तो चोट नहीं लग जाएगी? तुम्हारी इस ओवरलोड बस का चालान कटेगा। अमित शाह सर जी, एक बात बताओ, आपको मेरी बस का चालान काट के क्या मिल जाएगा? तो मोदी जी एक बात बताओ, आप बस के अंदर इतनी ज्यादा सवारी क्यों भरते हो? मुझे तो बस के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैंने सर खिड़की के बाहर कर रखा है। अरे लालू जी, आप कम से कम बस के अंदर तो बैठे हुए हो, गिरोगे थोड़ी बस के अंदर से। इन्होंने तो हमें देखो बस के ऊपर बिल्कुल किनारे पे बैठा रखा है, ऊपर से गिरने का डर है। इनकी ओवरलोड बस का तो चालान कटना ही चाहिए। लेगा मोदी जी, आपकी बस का चालान तो आपकी सवारी भी कटवाना चाहती है, बस का चालान तो कटेगा ही। अरे तुम सब लोग जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, मतलब जिस बस में जा रहे हो उसी बस का चालान कटवाना चाह रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। अमित शाह सर जी, मोदी जी की बस का चालान मत काटो। अंग्रेज की बात मुझे अच्छी लगी, अब आपकी मर्जी, बस का चालान काटो या मत काटो। फिलहाल आगे से मैं बस में इतनी ज्यादा सवारी नहीं बैठाऊंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी क्या बताया जाए, आज सुबह से ही मेरा रोड रोलर बीच रोड पे खराब हो गया, क्या करूं अब मैं? लानू जी चिंता क्यों करती हो, देखो मैं रोड रोलर का मिस्त्री ले आया, अब ये तुम्हारे रोड रोलर को ठीक कर देगा, जो भी कमी होगी ठीक कर देगा ये। तुम्हारे इस रोड रोलर के खराब होने से मुझे भी काफी दिक्कत है, क्योंकि जो मैंने गाँव का रोड बनाने का ठेका लिया था वो अधूरा पड़ा है, जब तक तुम्हारा रोड रोलर वहां पर नहीं पहुंचेगा रोड बनेगा नहीं, इसीलिए मैं राहुल मिस्त्री को ले आया, ये रोड रोलर को ठीक करने का बहुत अच्छा मिस्त्री है। राहुल देखो इस रोड रोलर में क्या कमी है। पहले तो लालू जी मेरी बात सुनो, आप ये रोड रोलर आपका जरूर है, लेकिन आप इसके पहिए के ऊपर मत बैठो, क्या पता ये चल पड़ा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और मोदी जी आपने लालू जी को मेरी फीस के बारे में बता दिया, मैं रोड रोलर को रिपेयर करने के एक बार के 10,000 रुपए लेता हूँ। कोई बात नहीं है राहुल, पैसे दे देंगे हम तुम्हें, जितने पैसे मांगोगे उतने दे देंगे। पहले ये कमी तो देखो मेरे रोड रोलर में कमी क्या है, किस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मोदी जी ने जो रोड बनाने का ठेका लिया है, जल्द से जल्द मेरे इस रोड रोलर को ठीक कर दो। वैसे राहुल मिस्त्री जी, मैं आपसे फिर पूछता हूँ, कमी क्या लग रही है आपको मेरे इस रोड रोलर में? लालू जी कमी तो कोई खास है ही नहीं, आप तो बेफालतू में टेंशन ले रहे हो, चिंता मुक्त हो जाओ आप। आपकी इस रोड रोलर के आगे वाले पहिए में हवा कम है, हवा भर देता हूँ। हाँ लालू जी, हवा तो मुझे भी कम लग रही थी आगे वाले पहिए में, इसीलिए तो आपका रोड रोलर आगे बढ़ नहीं पा रहा था। राहुल मिस्त्री जी जल्द से जल्द इस रोड रोलर के आगे वाले पहिए में हवा भर दो। लालू जी ये आपका ही तो रोड रोलर है, इसे बीच रोड से हटाओ, देखो जाम लग रही है, आपने बीच रोड पर इसे खड़ा कर दिया है, नहीं तो आपके इस रोड रोलर का चालान काट दूंगा मैं। योगी सर जी, मेरा रोड रोलर बीच रोड पे खराब हो गया, तो इसमें मैं क्या करूं? अब मैंने इसको ठीक कराने के लिए रोड रोलर के जाने माने मिस्त्री राहुल जी को बुलाया है, वो आगे वाले पहिए में हवा भर रहे हैं, अभी हटा लेता हूँ रोड रोलर को। वैसे लालू जी हवा तो मुझे भी कम लग रही थी, जल्दी से जल्द हवा भराओ और इस रोड रोलर को बीच रोड से हटाओ। और वैसे भी राहुल मिस्त्री जी जब आ गए तो ये तो रोड रोलर को ठीक कर ही देंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बताओ मोदी जी, इस स्कूल में पढ़ने का क्या फायदा? अरे स्कूल के क्लासरूम में पानी थोड़ी भर गया, स्कूल में ही तो पानी भरा हुआ है, लेकिन इन टीचरों ने क्लास की छुट्टी कर दी, कितनी दूर से पढ़ने के लिए आए थे, अब पानी में भीगते हुए वापस जा रहे हैं।
मोदी जी, स्कूल आने से पहले मैंने तो आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा था कि देखो रात भर बहुत बारिश हुई है, स्कूल में पानी भर गया होगा, आज पढ़ने के लिए मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने, जबरदस्ती स्कूल में ले आए। अब देखो स्कूल से वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल के टीचरों ने स्कूल की छुट्टी कर दी। अब लालू जी इसमें मेरी क्या गलती है ये बताओ, स्कूल में ही तो पानी भरा हुआ है, स्कूल के क्लासरूम में पानी थोड़ी भरा हुआ है, अगर टीचर चाहते तो पढ़ा सकते थे, जानबूझकर नहीं पढ़ा रही है, इन्हें स्कूल में पानी भरने का बहाना मिल गया। आज घर से इतनी दूर स्कूल आने पर एक अक्षर भी पढ़ लेते तो सुकून मिल जाता, बिना पढ़े ही वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल के टीचरों ने बिना पढ़ाए ही छुट्टी कर दी। क्या मोदी जी, राहुल जी, लालू जी पढ़ने का राग लगाए पड़े हो? सही तो है, स्कूल में छुट्टी हो गई, आज तो मेरा वैसे भी होमवर्क करा हुआ नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन तक यूं ही बारिश होती रहे, क्लासरूम तक पानी भर जाए, पढ़ाई हो ही ना। शिवराज सिंह जी, जब तुम स्कूल का होमवर्क करके ही नहीं लाते हो तो तुम स्कूल की छुट्टी की कामना करोगे ही। हम तो चाह रहे हैं कि रोज पढ़ाई हो, एक दिन की भी छुट्टी ना हो। योगी जी, आप तो चाह रहे हो स्कूल में पढ़ना, लेकिन जब ये टीचर ही नहीं पढ़ाना चाह रहे तो क्या करोगे? अब देखो इस बारिश में स्कूल आना वैसी मुश्किल था, और पढ़ाए बिना ही स्कूल टीचरों ने छुट्टी कर दी, मेरे सारे के सारे कपड़े भीग गए। मुझे लगता है मायावती जी, स्कूल के टीचरों ने अपनी छुट्टी इसलिए कर दी क्योंकि बारिश रुकी नहीं रही है, बारिश भी बार बार हो जा रही है, कहीं पढ़ाते वक्त ज्यादा बारिश हो जाए और स्कूल में बाढ़ का पानी बढ़ जाए और पढ़ाते वक्त क्लासरूम में भी पानी भर जाए तो अपनी किताबें खराब हो सकती थी, इसीलिए स्कूल टीचरों ने अपनी छुट्टी कर दी, इस बारिश में पढ़ाने का रिस्क नहीं लिया। अखिलेश, तुम्हारी बात तो मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि इस टाइम पानी पूरे स्कूल में भरा हुआ है, थोड़ी बारिश और हो गई अगर अभी तो क्लासरूम में पानी बढ़ जाएगा, और अगर अपना लोग पढ़ाई करते होते क्लासरूम में तो अपना भीग जाते, इसीलिए स्कूल टीचरों ने छुट्टी कर दी। अब चलो, जब स्कूल का पानी खत्म हो जाएगा तभी पढ़ने के लिए आएंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।